कैसे हैं आप लोग। आपका स्वागत है बूस्ट ऑन नॉलेज चैनल में। आज हम फिजिक्स का एक मोस्ट टॉपिक पढ़ेंगे जो कि स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। आप ये आपके चैप्टर में भी होगा, तो आइए बिना टाइम वेस्ट करते हुए हम देखते हैं कि अदिश राशि और सदिश राशि मतलब स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी क्या है। आप हमारे साथ बने रहिए, हम यहाँ आपको डीप में एक एक चीज़ बताएंगे। तो पहले हम देख लेते हैं भौतिक राशि क्या है, ठीक है। भौतिक राशि वे राशियां हैं जो भौतिकी के नियमों का पालन करती है, मतलब फिजिक्स के नियमों का क्या करती हैं, पालन करती हैं, और उनका मापन किया जा सकता है, वो क्या कहलाती है, भौतिक राशियां कहलाती हैं, ठीक है। और अब दिशा के आधार पर भौतिक राशियां जो हैं दो प्रकार की होती हैं, ठीक है। कौन कौन सी, अदिश और एक सदिश, मतलब स्केलर और होती है वेक्टर। तो आइए पहले देखते हैं अदिश राशियां क्या है। तो वे राशियां जिनको व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है। परिमाण मतलब होता है मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड का मतलब है कि जिनका संख्यात्मक एवं धनात्मक मान हो, वो क्या कहलाता है, परिमाण कहलाता है, ठीक है। तो अभी हम आपको परिमाण डीप में बताएंगे, पहले आप यहाँ देखिए। केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की नहीं, इसमें दिशा की आवश्यकता नहीं होती है, वह अदिश राशियां कहलाती हैं, ठीक है। उदाहरण के लिए क्या हो गया, द्रव्यमान, लंबाई, समय आदि बहुत सारी हैं, जैसे कार्य, ऊर्जा, विद्युत धारा, आवेश, प्रतिरोध, विभव, ताप, ये बहुत सारी हैं। तो आप ये सब लिख भी सकते हैं, ठीक है। और फिर आती हैं कौन सी राशियां, सदिश राशियां। तो अब सदिश राशियां क्या है, सदिश राशियां वे राशियां हैं जिनको व्यक्त करने के लिए परिमाण और दिशा दोनों की आवश्यकता, इसमें कौन क्या क्या होता है, परिमाण भी होता है और दिशा भी होती है, दोनों की आवश्यकता होती है, वो सदिश राशियां कहलाती है। उदाहरण के लिए बल, बल मीन्स फोर्स, ठीक है, वेग, त्वरण, विस्थापन, आदि, ठीक है। और भी बहुत सारी हैं, जैसे प्रतिबल, विभव, धारा घनत्व, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, चुंबकीय आघूर्ण, ठीक है, मंदन, ये सब है। अब आप देखेंगे कि अदिश राशि और सदिश राशि में क्या अंतर है, ठीक है। तो अब मैं एक एक करके बताऊंगा, आप ध्यान से समझिएगा, बहुत छोटे अंतर हैं, ठीक है, अदिश में और सदिश में। तो अदिश राशियां इनमें केवल परिमाण होता है, ये तो आप पढ़ आगे मैं बता ही चुका हूँ पीछे, ठीक है। इसमें परिमाण और दिशा दोनों होती है, इसमें परिमाण और दिशा दोनों होती हैं। देखो, अदिश राशि को अंग्रेजी के साधारण अक्षरों में संकेत द्वारा लिखा जाता है, मतलब कोई भी साधारण अक्षर ए ऐसे लिख सकते हैं आप, ठीक है। लेकिन जो सदिश है उसे मोटे अक्षरों में, ठीक है, अंग्रेजी के मोटे अक्षरों द्वारा तीर का निशान बना के लिखते हैं। जैसे ए लिखा है हमने, तो ए के ऊपर तीर लगेगा, ये है अदिश की पहचान, सदिश की पहचान, ठीक है। फिर तीसरा आता है, दो या दो से अधिक राशियों को जोड़ने अथवा घटाने पर अदिश ही राशि ही प्राप्त होगी। अदिश राशि में क्या, जब अगर हम दो अदिश राशियों को, दो या दो से अधिक अदिश राशियों को जोड़ते हैं या घटाते हैं, तो हमें कौन सी राशि प्राप्त होगी, अदिश होगी, ठीक है। इसमें क्या है, दो या दो से अधिक सदिश राशियों को जोड़ने या घटाने पर सदिश ही प्राप्त होगी, ठीक है। अब उदाहरण के लिए क्या हो गया, द्रव्यमान, दूरी, समय, आयतन आदि, इसमें क्या है, बल, भार, वेग, त्वरण आदि, ये तो मैं आपको बता ही चुका हूँ, ठीक है। अब आता है कि अभी मैंने आपसे पीछे बात की थी परिमाण की, तो आज यहाँ पे मैं आपको परिमाण को डीप में बताता हूँ, ठीक है। परिमाण क्या है, परिमाण मतलब होता है मैग्नीट्यूड, और मापांक को कहते हैं मॉडुलस, ठीक है। ये किसी राशि को, मात्रा को व्यक्त करने वाली, किसी भी राशि की, ठीक है, मात्रा को व्यक्त करने वाले धनात्मक एवं संख्यात्मक मान को परिमाण या मापांक कहते हैं। इसे हम मॉड और फिर ए में ऊपर वेक्टर से व्यक्त करते हैं। इसका फॉर्मूला क्या है, मॉड ए वेक्टर, ऐसे हम सीधी लाइन भी खींच सकते हैं, जरूरी नहीं है कि तीर का निशान लगाना, ये लाइन भी ऐसे खींच सकते हैं। आई के गुणांक का वर्ग, मतलब आई के मल्टीप्लाई का स्क्वायर एवं जे के मल्टीप्लाई का स्क्वायर, गुणांक का वर्ग, ठीक है, ये फॉर्मूला है, आप इसे ध्यान दीजिए। फिर सदिश के प्रकार कितने होते हैं, तो सदिश के प्रकार, ठीक है, तो पहला होता है एकांक सदिश,
ऐसा सदिश जिसका परिमाण एक होता है, उसका परिमाण क्या होगा, एक होगा, इसे ए से प्रदर्शित करते हैं, उसके ऊपर कैप लगा देते हैं, ठीक है। तो ए कैप फिर क्या है, ये मॉड ऑफ वेक्टर ए अपॉन मॉड ऑफ ए वेक्टर ए, ठीक है। फिर आता है शून्य सदिश, ऐसा सदिश जिसका परिमाण शून्य होता है, कितना होता है, जीरो होता है, ठीक है। फिर स्थिति सदिश, स्थित सदिश, ठीक है, ऐसा सदिश जो मूल बिंदु से स्थिति दर्शाता है, कहाँ से, मूल बिंदु इसे कहते हैं, यहाँ सेंटर से स्थिति दर्शाता है, जिसकी दिशा मूल बिंदु से देखे जाने पर बिंदु वस्तु की दिशा में होता है, बिंदु कहाँ होता है, वस्तु की दिशा में, अगर यहाँ वस्तु रखी है तो इस दिशा में होगा, ठीक है। तो ये कौन सा सदिश है, स्थित, मतलब ये स्थिति बताता है, ठीक है। फिर चौथा सदिश है विस्थापन सदिश, विस्थापन से आप समझ रहे हैं, विस्थापन एक जगह से दूसरी जगह विस्थापित होना विस्थापन कहलाता है किसी वस्तु का। विस्थापन सदिश यह सदिश है जो किसी समय अंतराल में, मतलब किसी टाइम पीरियड में, यह बताता है कि विस्थापन किस दिशा में और कितना हुआ है, किस दिशा में हुआ है और कितना हुआ है, वो क्या कहलाता है, विस्थापन सदिश कहलाता है। तो विस्थापन सदिश को आप ग्राफ में समझ सकते हैं, ये मूल बिंदु है, यहाँ कोई वस्तु थी और यहाँ वो विस्थापन हुई और कितने समय में हुई, यहाँ कितना टाइम लगा, ठीक है, और किस दिशा में हुआ, ठीक है। फिर आता है समान सदिश, क्या आता है, समान सदिश, दो सदिश समान कहलाते हैं यदि उनका परिमाण और दिशा बराबर हो, उनका क्या, परिमाण मैग्नीट्यूड और दिशा, ठीक है, डायरेक्शन दोनों बराबर हो, जैसे पी है, पी कहाँ की दिशा कहाँ है, पी से क्यू की तरफ, ठीक है, और इसे ये है वेक्टर ए, ठीक है, ये भी पी से क्यू की तरफ है, तो वेक्टर ए, जब वेक्टर ए और वेक्टर बी आपस में इक्वल होते हैं तो वो होते हैं समान सदिश। तो आप यहाँ तक अच्छे से पढ़िए, इसे अच्छे से समझिए, मैं आगे आपको सदिश योग का त्रिभुज नियम और सदिश योग का चतुर्भुज नियम की वीडियो लाऊंगा, ठीक है, आप हमारे साथ बने रहिए, मैं यहाँ आपको एक एक चीज़ बताऊंगा, और वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।